हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनील और आज मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने होते हैं। तो फंक्शन के बारे में बताया था और फंक्शन के जो कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में बताया था। फंक्शन का एक सिंपल एग्जांपल बताया था। फंक्शन को लेके आप आर्गुमेंट कैसे पास करोगे उसका एग्जांपल बताया था। अगर ये समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसका जो मतलब अच्छा वाला एग्जांपल हम बाद में भी और पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक फंक्शन का आर्गुमेंट का आपको मैंने टेस्ट दे दिया कि आर्गुमेंट को यूज करके भी, जो आर्गुमेंट पास करके यूज करके फंक्शन को लिख सकते हैं और हमारा काम करवा सकते हैं। ओके, तो उसके बारे में अच्छे से भी समझेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं फंक्शन में और उनको कितने टाइप डिवाइड किए गए हैं, उसके एग्जांपल देखेंगे, उसका थ्योरी देखेंगे, शॉर्ट नोट देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। ओके, कितना बार बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिर भी नहीं मानोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई साहब। ओके, तो चलिए देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो लाइब्रेरी फंक्शन किसको हम बोलते हैं, जो हमारे कंपाइलर के साथ पहले से आता है, पहले से अटैच होके आता है, जो हमको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, वो अपने आप में ही अंदर कोडिंग उसका लिखा है, वो पहले से अटैच होके आता है, उसको बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। ओके, हम सिर्फ इसको यूज करेंगे, लाइब्रेरी के अंदर स्टोर होके रहेगा, हम सिर्फ उसको यूज करेंगे। ओके, और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं कि हमको खुद फंक्शन लिखना पड़ेगा। पिछले वाला एग्जांपल देखे होगे तो आपको पता होगा, हमने लिखा डिस्प्ले फंक्शन और डिस्प्ले फंक्शन का जो काम होते हैं वो करवाया, मतलब खुद लिख के करवाया था। ओके, इस टाइप से तो ये होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन और ये होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, जो अपने आप में ही मतलब कोडिंग उसका लिखा होगा और आप सिर्फ उसको यूज करोगे। जैसे होता है, इसका एग्जांपल दूं मैं एक, अगर आप फोटो एडिटिंग करते हो तो आपको पता होगा कि हम अगर कहीं पे फोटो एडिटिंग करते हैं जो सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उधर स्नैपशीट से मान लो आप फोटो एडिट कर रहे हो तो जो टेम्पलेट होते हैं ना, कुछ तो पहले से टेम्पलेट भी होता है, तो अगर डायरेक्ट आप फिल्टर को अप्लाई कर दोगे या इंस्टाग्राम पर फिल्टर अप्लाई कर दोगे तो उसको बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन को एग्जांपल मान के चलो। और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं कि हमको खुद सारा का सारा चीज़ बनाना पड़ता है, तो हमको कंट्रास्ट भी अपने हिसाब से चूज करना है, हमको हाईलाइट भी अपने हिसाब से चूज करना है, ये होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो बताया मैंने आपको लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। अभी देखते हैं लाइब्रेरी फंक्शन एक्चुअली में कहते किसको हैं। इंग्लिश में तो वर्डिंग भी चाहिए लिखने के लिए ना, तो एग्जाम्पल आप लिखोगे तो ये वाला चीज़ लिखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ए लाइब्रेरी फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बिल्ट इन फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन को और भी क्या बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शन, क्योंकि ये पहले से ही आता है। ए कंपाइलर पैकेज कंटेंट्स ऑल दिस फंक्शन। ये सारे के सारे फंक्शन को कंपाइलर के जो पैकेज होते हैं उधर पहले से ही मतलब इंस्टॉल करके दिया गया होता है। ओके, ईच ऑफ व्हिच हैज ए स्पेसिफिक मीनिंग एंड इज इंक्लूडेड इन द पैकेज। तो अगर मान लो कुछ फंक्शन उधर 10 फंक्शन डिफाइन किए गए होंगे, तो उधर एक होगा कि आप मैथ के एडिशन कर लो, एक सब्सट्रैक्शन कर लो, इस टाइप से होगा, और आप पावर निकाल दो और रूट निकाल दो, तो बहुत सारी चीज़ें दे होंगे। एक एक फंक्शन का काम एक काम ही करना होता है, वो दो तीन काम एक साथ नहीं कर सकता। ओके, जिसको जो काम दिया गया होगा वो वही काम करेगा। लाइब्रेरी फंक्शन हैव द एडवांटेजेस बीइंग डायरेक्टली यूजेबल विदाउट बीइंग डिफाइंड। तो इसको डिफाइन करना नहीं चाहिए पड़ेगा। जैसे हम यूजर डिफाइन फंक्शन पे क्या कर रहे थे, हम फंक्शन को पहले डिफाइन करते थे ऊपर और उसको उसका डिफाइन फंक्शन को जो डिस्क्राइब करके लिखते हैं, उस टाइप के चीज़ लिखते हैं, पर लाइब्रेरी फंक्शन पे ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट आप यूज कर लो उसको, फंक्शन कॉल कर लो, आपका अपना आप पे ही चला जाएगा। ओके, हो जाएगा। व्हेयर एज यूजर डिफाइंड फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर अनडिफाइंड बिफोर द यूज। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को अगर यूज करोगे तो पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ही आप यूज कर सकते हो। तो एग्जांपल देखने के बाद ही आपको समझ आएगा सारे के सारे चीज़। और एग्जांपल में क्या क्या लेते हैं, पाव मतलब पावर आप यूज कैसे निकालोगे, एक नंबर का पावर कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, strcpy जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे तभी इसका यूज होगा। ओके, याद से देख लेना, स्ट्रिंग जब पढ़ेंगे उसको देख लेना, तो strcpy मतलब स्ट्रिंग को कॉपी करो, str स्ट्रिंग, cpy मतलब कॉपी। तो बहुत सारे और भी होते हैं, हम एग्जांपल दो तीन देख लेते हैं। अगर आपको पूरे के पूरे एक्सप्लोर करना है तो C++ का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, उधर जाके देख लेना। ओके, C++ रेफरेंस नाम का इस टाइप का कुछ है उस साइड। तो एडवांटेजेस ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन, तो लाइब्रेरी फंक्शन का एडवांटेजेस क्या होते हैं। ओके, इसका एग्जांपल करेंगे पर इसका देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, आपको पूछ लेता है एग्जांपल पे कि मतलब एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज़ फंक्शन,
राइट द टाइप टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, या टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, टाइप्स उसके क्या होते हैं, और आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन क्या होते हैं उसका एग्जांपल लिखना पड़ेगा, टाइप्स लिखना पड़ेगा, और राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन, या राइट द एडवांटेजेस ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। ओके तो आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन, सी लाइब्रेरी फंक्शंस आर इजी टू यूज, इजी टू यूज होते हैं क्योंकि पहले से लिखा हुए होते हैं, और ऑप्टिमाइज फॉर बेटर परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस के लिए ये ऑप्टिमाइज है क्योंकि एक पूरा का पूरा मतलब टैलेंटेड वाला प्रोग्रामर इसको लिखा होगा ना, तभी तो ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने आप में इंस्टॉल हो किया जाता है। तो मान लो वो मतलब आप सोच सकते हो कितना पढ़ा लिखा होगा आदमी और कितना मतलब एक्यूरेट में सारा का सारा चीज़ करता होगा। ओके दे सेव ए लॉट ऑफ टाइम ऑफ प्रोग्रामर, हम जैसे नॉर्मल प्रोग्रामर है या आप जो स्टूडेंट हो सीख रहे हो, हम जो स्टूडेंट है सीख रहे हैं, तो हमारे लिए ये टाइम सेविंग कर लेता है। हमको एक नंबर स्वाप करना है तो हमको स्वाप प्रोग्राम लिखने पे 6-7 लाइन का कोडिंग जाएगा, पर डायरेक्ट स्वाप कर दो के 2 नंबर तो 1 लाइन पे हो जाएगा। ओके तो लाइन ऑफ कोड बच जाता है। दे आर कन्वीनियंट एज दे ऑलवेज वर्क, ओके ये कभी गलत नहीं होते, ये हमेशा वर्क करता है। आप अगर कुछ कर लोगे या मैं कुछ कर लूँगा तो कहीं ना कहीं अगर भूल हो जाए तो वर्क नहीं करेगा। ओके पर इनका जो होता है ये बहुत सारे मतलब हमेशा टेस्टिंग करके ही प्रोडक्ट करते हैं, बनाते हैं और भेजते हैं अपडेट के हिसाब से। ओके तो ये बता दिया एडवांटेजेस क्या होते हैं उसका, और अभी देखेंगे एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन का कुछ एग्जाम्पल भी तो देखना है, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि यार इसका यूज कहाँ पे है और आप इसको कैसे यूज करोगे। ओके तो देख लेते हैं थोड़ा सा। हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड math.h, ये होता है हमारा हेडर फाइल। ओके अच्छे से ध्यान से देखना, ये होता है हमारा जो सी प्रोग्रामिंग का हेडर फाइल इनपुट आउटपुट का। हैज इंक्लूड math.h, math.h क्यों लिखा है, क्योंकि हम इधर एग्जाम्पल पे लिए थे पाव स्क्वायर रूट, तो ये क्या होते हैं, पावर एक मैथमेटिक्स फंक्शन होते हैं, स्क्वायर रूट भी एक मैथ फंक्शन होते हैं, तो मैथ फंक्शन को अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो तो उस वाले लाइब्रेरी का जो हेडर फाइल होते हैं इस वाले हेडर फाइल को आपको यूज करना पड़ेगा। ओके हैज इंक्लूड math.h, इसका मतलब है कि हमारे कोडिंग पे इंक्लूड कर दो, किसको इंक्लूड कर दो, math.h को। क्यों math.h को इंक्लूड कर दो, क्योंकि अगर आप इसको इंक्लूड करोगे तभी आप मैथ फंक्शन को ही यूज कर पाओगे, अगर आप इसको नहीं करोगे आप मैथ फंक्शन को यूज नहीं कर पाओगे। ओके इसका मीनिंग सिर्फ यही है। तो मैथ फंक्शन को यूज करना चाहते हो तो math.h को करना मतलब उसको इंक्लूड करना, अगर नहीं करोगे तो आपको जो रन करोगे प्रोग्राम एरर दिखा देगा कि आप हेडर फाइल एक इंक्लूड नहीं किए, इसको इंक्लूड करो, वो वार्निंग दिखा देगा और एरर दिखा देगा। ओके उसके बाद देखते हैं इंट मेन, तो इंट मेन हो गया, और डबल, डबल एक नंबर ले लिया, अब डबल मतलब ये बड़ा वाला जो साइज होते हैं इसलिए डबल यूज करते हैं। ओके प्रिंट एफ एंटर एन नंबर हो गया, स्कैनएफ परसेंटाइल डी नंबर, एक नंबर आके नंबर पे एंटर हो गया, डबल नंबर पे जो वेरिएबल होते हैं उस पे एंटर आ गया। ओके डबल एस स्क्वायर रूट, ये होता है हमारा जो कॉलिंग करते हैं हम फंक्शन में, आप फंक्शन को, तो स्क्वायर रूट एक फंक्शन है, ये वाला फंक्शन का नाम है ये। ओके रेड कलर पे देखो मार्किंग क्या है, क्या है, तो sqrt मतलब स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए sqrt फंक्शन यूज करना होता है, और sqrt लिख के आप मून ब्रैकेट दे के उसके अंदर जितना जो भी नंबर लिखोगे उसी नंबर का स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। ओके तो उसको एक वेरिएबल पे स्टोर करवा सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और अभी हमने एक वेरिएबल पे स्टोर करके रखा है उसको फिर से आसान किया गया है स्क्वायर रूट, तो स्मॉल एस से स्टार्ट होके कैपिटल आर रूट लिखा गया है, एक वेरिएबल है जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट पे स्टोर होके रहेगा, और प्रिंट द स्क्वायर रूट ऑफ परसेंटाइल 0.2LF मतलब लॉन्ग फ्लोट। ओके और टू क्यों लिखा गया है, पॉइंट के बाद 2 तक जाएगा सिर्फ, जो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 तक नंबर को कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए 2LF लिखा गया है। ओके ये जो एंड होता है इसका परसेंटाइल 2LF जो पहला वाला है इसके लिए नंबर को है, और दूसरा वाला जो है इसके लिए स्क्वायर रूट को है, तो इसको अभी हम लैपटॉप के अंदर कोडिंग करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, और इस वाले चीज़ को थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना अपने नोट के ऊपर, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना। ओके और चलिए लैपटॉप के ऊपर पहले जाते हैं, और इधर मैंने होमवर्क लिखा है प्रैक्टिस ऑल लाइब्रेरी फंक्शन प्रोग्राम, आपको गूगल में जाके सर्च करना है लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, और व्हाट आर दी लाइब्रेरी फंक्शन एग्जिस्ट इन सी लैंग्वेज, और सभी को यूज करके एक मैथ फंक्शन का कोडिंग आपको सारे के सारे प्रैक्टिस करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके
और चलिए देखते हैं लैपटॉप पे जाके, तो बाकी सारे के सारे पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। अभी लैपटॉप पे जाके इस वाले कोडिंग को चला लेते हैं, तो हमको प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दिया, एग्जाम्पल एक नोट पे करा दिया, और अभी बारी है प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल ना करो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा भाई, और मुझे भी दिक्कत होता था कॉलेज टाइम पे, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल हमेशा करो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आ गया हूँ लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, और हमारे कोडिंग को लिख के स्टार्ट करते हैं जल्दी से, और एक्सप्लेनेशन नहीं देते। ओके, हाँ, इंक्लूड stdio.h, और सेकेंड टाइम के लिए लिखेंगे हाँ इंक्लूड math.h। ओके, और ये हो गया दो हेडर फाइल, ये इनपुट आउटपुट के लिए, और ये दूसरा वाला हो गया मैथमेटिक फंक्शन के लिए। और उसके बाद से हमारा कोडिंग जो होते स्टार्ट करेंगे इंट इंट मेन, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और डबल ले लिए थे हम डबल और नंबर। ओके, डबल लेके नंबर ले लिए, और उसको नंबर के अंदर एक वैल्यू को लाके स्टोर करके रखेंगे। प्रिंट एफ डबल क्यूट एंटर नंबर बैक स्लैश एन, क्योंकि सुंदर दिखेगा, हमेशा बैक स्लैश एन को यूज भी करना चाहिए। स्कैन एफ, और उसके बाद डबल क्यूट परसेंटाइल डी, एम परसेंट नंबर। ओके, सेमी कॉलन। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमको यूज करना है कि उसका जो फंक्शन का आउटपुट आएगा उसको एक नंबर के अंदर स्टोर करके, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके लिखना है। तो फिर से डबल क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर नंबर बड़ा हो गया तो क्या करोगे, अभी अभी तो हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो ये नंबर छोटा होता जाएगा। पर अगर हमको पावर फाइंड करना होगा इसीलिए डबल लिया जाता है। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, आप इंट भी ले सकते हो, तो आपको अब कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैं इधर इंट भी लेके भी बना दूंगा। ओके, पहले इंट लेके बना देता हूँ, और उसके बाद आपको डबल लेके बना दूंगा। ओके, तो इंट इंट स्क्वायर रूट, और उसके अंदर क्या करेंगे एस क्यू आर टी, और एस क्यू आर टी के अंदर क्या लिखेंगे नंबर। ओके, तो जो आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट के अंदर स्टोर होके रह जाएगा। तो प्रिंट एफ लिखेंगे, और लिखेंगे डबल क्यूट, उसके बाद लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ परसेंटाइल डी। ओके, तो एल एफ क्यों लिखे थे, डबल का जो होता है वो फ्लोटिंग फ्लोट नंबर होता है, तो इसलिए एल एफ लिखे थे। परसेंटाइल डी लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि हमको इंटीजर हम इधर यूज किए ना, इंट नंबर यूज किए, तो परसेंटाइल डी लिख के टू लिख दिया मैं टू। ओके, तो अभी लिख रहा हूँ परसेंटाइल डी, तो इधर पॉइंट लगा के टू लिख दिया, क्योंकि दो तक हमारे सिर्फ अगर जो आते हैं ना डेसिमल के बाद दो जाते हैं, तो आपको कब यूज करना पड़ेगा दो डेसिमल तक, जब आप इधर डबल यूज करोगे या फ्लोटिंग नंबर यूज करोगे, पर इंटीजर पे नहीं करना है। ओके, इंटीजर पे आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो आएगा नहीं, इंटीजर तो एक नंबर वाला चीज आएगा ना। तो परसेंटाइल डी लिख लेते हैं, और उसके बाद लिखते हैं इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद लिखते हैं परसेंटाइल डी और एक बार, और उसके बाद लिखते हैं कॉमा, और उसके बाद लिखते हैं नंबर वाला जो होता है नंबर और वेरिएबल जो आया था, और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे स्क्वायर रूट। ओके, तो इतना ही, उसके बाद देखते हैं क्या होता है हमारा आंसर, और रिटर्न 0। ओके, तो फिलहाल के लिए तो अभी इसको रन करके देखते हैं। इंटर नंबर मांग रहा है, तो मैंने 8 लिख लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2। ओके, इधर राइट साइड में देखो हाईलाइट कर रहा हूँ आ रहा है, और आप बोलोगे कि छोटे नंबर के लिए आ रहा है, बड़े नंबर के लिए हमको अगर मिलेगा या नहीं हम देख लेते हैं फिर से।
तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना लिखेंगे, 36 लिख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। ओके, और एक बड़ा नंबर के लिए लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो 10, और भी बड़ा नंबर के लिए लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 900। तो 30। ओके, तो सही चल रहा है हमारा कोडिंग, सही चल रहा है। और मैंने आपको बताया था कि यार इधर को, इधर मैंने आपको इंट के लिए बताया था, और इधर अभी डबल के लिए ही बता लेता हूँ, डबल। ओके, और इधर आपको चेंज करना पड़ेगा 0.2LF, लॉन्ग फ्लोट, क्योंकि इंटीजर आप नहीं यूज कर सकते, डबल एक फ्लोटिंग नंबर होता है। 0.2LF फ्लोट के लिए सिर्फ एफ यूज करते हैं, परसेंटाइल एफ, और लॉन्ग फ्लोट मतलब डबल के लिए यूज करते हैं। ओके, और इधर को भी आप चेंज कर दो। ओके, तो अभी रन करके देखते हैं, आप बहुत बड़े नंबर तक भी यूज कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। तो यार ऐसे क्या यूज कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, वन इतना यूज कर लेते हैं। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 0 है, तो स्क्वायर रूट पे 4 0 आ रहा है। ओके, तो बड़े नंबर को स्टोर करने के लिए डबल को यूज किया जाता है, और छोटे नंबर को इंटीजर वैल्यू के लिए छोटे नंबर को इंट पे हिसाब से यूज कराया जाता है। इधर 2 0 आया है, डेसिमल के बाद 2 0 आया है, क्योंकि इधर हम 2 LF लिखे, आपको अभी दिखाता हूँ, एक डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर हम इधर 3 LF लिखेंगे तो देखते हैं क्या आता है। ओके, 3 LF लिखोगे तो डेसिमल के बाद 3 तक आ जाएगा, देखो डेसिमल के बाद 3 आ रहा है नंबर। ओके, तो मुझे जैसा लगता है कि इतना सारा का सारा चीज समझाने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि यार कैसे यूज करते हैं। और बहुत मेरा वीडियो बहुत लेट होता है मतलब समझने के लिए, और मैं पूरे पूरे एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बिगिनर के लिए बता रहा हूँ। ओके, जो एडवांस लेवल तक है उनको तो सिर्फ थ्योरी समझा दो तो ही समझ जाएंगे और कर लेंगे सारे के सारे। मैं पूरे के पूरे आपको मतलब बेसिक से समझा रहा हूँ, तो टाइम बहुत जा रहा है, और कोडिंग भी करके बता रहा हूँ, नोट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो टाइम तो जाएगा ही। ओके, तो जितना टाइम भी लगे, पर मैं सी प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज जो होता है कोर्स का, पूरे का पूरा प्ले लिस्ट अपडेट करते रहूंगा और लास्ट तक बनाऊंगा। बाकी कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरा का पूरा कंप्लीट करूंगा, और ऐसा कंप्लीट करूंगा कि यार मतलब जो भी देखेगा कि हाँ बंदा कुछ जानता है, कुछ पढ़ा है, तो सब समझ रहे हैं, इस टाइप से कुछ बोलेंगे, जो भी देखेगा उसको ऐसा ही मतलब लगेगा। ओके, तो आज के वीडियो को इतने पे रखते हैं, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, थैंक यू।